हमारे देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों काम करता है, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि व्यवस्थापिका अपना ज़्यादा अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। न्यायपालिका ये देखती है कि जो सरकार काम कर रही है, जो कार्यपालिका काम कर रहा है, वो सही संवैधानिक ढंग से काम हो रहा है या नहीं। तो सरकार को संवैधानिक ढंग से उसको बताते रहती है न्यायपालिका कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और ये भी बोलती है कि अगर कार्यपालिका भी गलती करता है तो उस पर भी न्यायपालिका का पूरी तरह से गार्डिंग रहता है। आज हम लोग एक पटना हाईकोर्ट में न्यायपालिका ने वहाँ के सीईओ और वहाँ के प्रशासनिक विभाग पर कहा है कि जहाँ वहाँ की प्रॉपर्टी कहाँ वैध है, अगर अवैध है, इसका फैसला आप कैसे कर सकते हैं, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। तो हम जहाँ बहुत जगह ऐसा देखते हैं कि ये कार्यपालिका के जो अधिकारी होते हैं वो अपने अनुसार वैध अवैध बताकर वहाँ उसकी प्रॉपर्टी को, उसके घर या घर मकान आदि बहुत सारे हैं उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको तोड़ देता है। तो इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि इसका फैसला कोर्ट को करना चाहिए। अगर आप प्रशासनिक विभाग, अगर कार्यपालिका ही सारे काम करते रहेगी तो न्यायपालिका का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसी तरह तीनों संस्थाओं को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। कार्यपालिका अपना काम करे, इसमें व्यवस्थापिका क्या होता है कि जिसे सरकार कार्यपालिका पर बहुत सारा दबाव डालती है, न्यायपालिका में ज़्यादातर दबाव नहीं पड़ पाता क्योंकि न्यायपालिका का हमारे संवैधानिक रूप से बहुत ज़्यादा शक्ति दिया गया है। तो इसी तरह हम नए नए अभी देख रहे हैं, खबर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, इस तरह बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं। इसी तरह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका को अपना काम करना चाहिए।